साथियों कहते हैं, दोज हु स्वेट इन प्रैक्टिस रेयरली ब्लीड्स इन वॉर। मतलब जो अभ्यास में अपना पसीना बहाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि युद्ध के मैदान में उनका खून बहता हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज नीट, इस एग्जाम में नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2021 के बाद जो प्रैक्टिस वर्ड है, उसने नॉलेज के ऊपर जीत हासिल कर ली है। आपने देखा कि 2021 में कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको अच्छी नॉलेज होने के बावजूद वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर लैकिंग द सीरियस प्रैक्टिस। मतलब अब एक वक्त पहले नीट वॉज प्रैक्टिस बराबर नॉलेज, जितना रोल नॉलेज का था उतना ही प्रैक्टिस का था। लेकिन अब 21 के बाद लग रहा है कि जिस एग्जाम की कट ऑफ 600 से ऊपर जा रही हो, उसमें नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए दोज हु स्वेट इन प्रैक्टिस रेयरली ब्लीड्स इन वॉर, इस लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हमने लॉन्च की है नीट CTC, दैट इज नीट चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज। देखिए, सबसे पहली बात तो टेस्ट सीरीज किसके लिए है, तो उनके लिए जो स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा, उनके लिए जिनका नीट 2021 में स्कोर 200 से 350 के बीच में रहा है। और तीसरा, उनके लिए जो टर्म टू के साथ में नीट को लेकर चलना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि नीट CTC में स्टार्टिंग होगी 12th के सिलेबस से। मतलब स्टार्टिंग में 12th के टेस्ट होंगे चैप्टर टू चैप्टर। हाँ, ये टेस्ट BCBOP पैटर्न को फॉलो करेंगे। OP आपका फेवरेट वर्ड है, इसलिए हमने भी इसे ले लिया है। BCBOP पैटर्न का मतलब यह है कि एक टेस्ट बायोलॉजी का होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा, फिर बायोलॉजी का होगा, लेकिन फिजिक्स के टेस्ट से पहले एक दिन का गैप रहेगा। तो CTC चैप्टर टू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 12th के सिलेबस से। तो जो बच्चे 12th के साथ में नीट क्रैक करना चाहते हैं और सीरियसली नीट और बोर्ड को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी ए लेजेंडरी बून। बट उनके लिए भी जो स्क्रैच से या पहले उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, वो भी इससे इक्वली बेनिफिट ले सकते हैं। तो दूसरा सवाल ये कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट कब से हो रही है, चार्जेस क्या हैं और परचेज कहां से करना है। तो स्टार्ट हो रही है 18th ऑफ जनवरी से। पहला टेस्ट आपका बायोलॉजी का ही है, जिसको आप 24 आवर्स में कभी भी दे सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसको समय पर ही दें, उस समय पर जब नीट का एग्जाम होता है। पहली बात, 18th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात, कॉस्टिंग क्या है, ₹3। आपने थंबनेल में भी देखा है, वो इसलिए क्योंकि ₹500 इसके चार्जेस हैं। 150 टेस्ट आप लोग देने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट सीरीज है। मैं, आप बिलीव करिए, 10,000 प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। एक नॉर्मल किताब मार्केट में जिसमें 10,000 क्वेश्चन हो, वो कम से कम आपको ₹2,000 के आसपास पड़ेगी, क्योंकि एक वॉल्यूम में 10,000 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम से कम उसके 3 वॉल्यूम होंगे। ₹500 ओनली, मतलब हर एक टेस्ट सिर्फ ₹3 का, NCERT बेस्ड विद कंप्लीट सॉल्यूशन। और स्टार्ट हो रहा है 12th के सिलेबस से, तो जो बोर्ड के साथ में नीट क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, जो स्क्रैच से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, जिनको कुछ नहीं आता भी उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो चैप्टर टू चैप्टर अप्रोच लेके चलेंगे। क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, हमने पोल करवाया था और उसमें तकरीबन 4,000 लोगों ने वोट किया। देवर डिमांडिंग NCERT बेस्ड वर्ड टू वर्ड चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया गाइस, ₹3 ओनली, एंड दैट इज सो ट्रू। स्टार्ट हो रहा है 18th ऑफ जनवरी से। परचेज आपको करना है नीट काकाजी ऐप से। आप स्टोर सेक्शन में जाइए, क्लिक करिए, पे करिए और अपनी सीरियस तैयारी स्टार्ट करिए। मुझे लगता नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है ₹500 के नोट की वैल्यू क्या हो गई है, इट हैज़ बिकम जस्ट लाइक ₹100 नाउडेज। तो आपकी तैयारी के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको जबरदस्त मिलेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग 10,000 प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चन विद कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैं आपको वादा करता हूं, एक भी क्वेश्चन NCERT के बाहर नहीं होगा। और दूसरी बात, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो NCERT निचोड़ टेस्ट सीरीज का रिपीट हुआ हो। इस चीज को आप फॉलो करिएगा, एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं होगा। तो हम लोगों को समझना है कि सिस्टमेटिकली इस चीज में हम लोग इन्वेस्ट करें
और प्रॉपरली सिंसियरली अपनी तैयारी अगर ट्रैक पे नहीं थी तो वापस ट्रैक पर लाकर स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपको बता दिया कि इस टेस्ट सीरीज का कॉस्ट सिर्फ 3 रुपीज़ है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के साथ नीट क्रैक करना चाहते हैं और उनके लिए जो स्क्रैच से नीट की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है वो पैटर्न है BCBOP, मतलब बायोलॉजी का टेस्ट, केमिस्ट्री का टेस्ट, बायोलॉजी का टेस्ट, फिर एक दिन का गैप, फिर फिजिक्स का टेस्ट। बायोलॉजी में आपके पास में 100 क्वेश्चन इस टेस्ट में होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली जब बच्चा एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है तो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होती है कि वो माइनर टेस्ट तो दे रहा होता है लेकिन मेजर टेस्ट वो अटेम्प्ट नहीं करता है। इस टेस्ट सीरीज में हमने क्या किया है कि BCBOP ऐसे जब 4 राउंड हो जाएंगे, मतलब 800 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे, तो एक मेजर टेस्ट होगा और उस मेजर टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पहले 800 क्वेश्चन में से ही आएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, मेजर टेस्ट के लिए सेपरेट तैयारी की जरूरत नहीं है। हालांकि उस मेजर टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो रहे होंगे, बहुत सारे, एक राउंड का मतलब ये है 4 चैप्टर कवर हो गए, 16 के आसपास चैप्टर में बोल सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन 800 होंगे, वो फिक्स होंगे। उसी में से अच्छे क्वेश्चन छांट कर आपको पहले ही मार्क कर लेने कि मुझे डाउट आया था ये क्वेश्चन अच्छा है, उन्हीं क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी करनी है। तो चैप्टर टू चैप्टर अप्रोच है, लेकिन अप्रोच इंटीग्रेटेड है ताकि आप फाइनल एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन ये जो फीस है ये सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। जल्दी से जाइए एनरोल करिए। निचोड़ टेस्ट सीरीज में 3000 से ज़्यादा एनरोलमेंट थे, इसमें उससे भी ज़्यादा जाएंगे, जितना लेट होंगे उतने ही आपके लिए तकलीफ होगी। 100 स्टूडेंट्स के बाद ये फीस डबल हो जानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्क्रैच से वापस स्टार्ट करेंगे और पूरे फोकस के साथ में जो अपना ड्रीम है उसे नहीं भूलेंगे। आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।